थक गई होगी ना। अब एक काम करो, जब से तुम आई हो तुम प्यास नहीं लगी तुमको, कहीं पानी पी लो। हाँ, पति की सेवा में ही लगी रहती हो हमेशा। हाँ, और हमारी भी अजीब सी किस्मत है देखा, पता तुमको पहचान नहीं पाए, शुरू में ही पहचान लेते तो कितना हमारा बखत जो है अच्छा भी था। लो रेखा, पानी पी लो। हम चाहते हैं कि अब हम पति पत्नी का प्रेम हो ही गया है तो अब बच्चा जो है वो ले आए दुनिया में। हाँ, आराम से बेटा होगा कि बेटी। अरे भाई बहुत थक गई हमने रेखा। सो जाओ। रेखवा, सो गई है। फाइल का जो काम था वो सुमन, क्या कहना चाहती है? हमें नहीं लगता कि इस पंचायत में हमें कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सरपंच की कुर्सी पर आप बैठे हैं। देखिए, हमारी घर की सदस्य होने के कारण हमें लगता है कि आज और इस फैसले के लिए आपको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इस मामले में पांच फैसला सुने तो वही अच्छा रहे। बात तो हमें समझ में नहीं आई, कैसा फैसला है? हमारी शादी का कुछ ही महीने हुए और अब हमारे पति मधुर जी हमें छोड़ना चाहते हैं, और ये सब इसीलिए नहीं कि हमने कोनो गलती की है, पर इसलिए क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। मधुर जी इसी घर की बड़की बहू रेखवा से प्यार करते हैं। हाँ, ये सच है। रेखा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और शादी करना चाहते हैं। इसका कह रहे कुछ भी गलत कह रहे हैं। ये सब का है रेखा? हम इतने सालों बाद तुमसे प्रेम किए, तुम पर विश्वास किए और तुम हमको धोखा दिए। वहां मधुर तुमसे कहा बात कर रहा था? यही बता रहा था ना जो सबके सामने वहां बोला। वो दिन वो गुंडे हमसे जबरदस्ती वो कागज पे दस्तखत लिए। कौन से कागज थे वो? तलाकनामा। तुम खुद मिली हुई हो। तुम ऐसी हरकत की हो कि आज ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप हम पे यकीन नहीं कर रहे ना? हम अभी जाके लाली दीदी और सबको बता देते हैं कि हमें मधुर जी के साथ नहीं रहना, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम अभी जाके बता देते हैं।